माय डियर स्टूडेंट, आपका प्रैक्टिस चैनल में स्वागत है। अब हम चलते हैं 2.2 की ओर। देखिए, पूछ रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो द कोफिशियंट। बोल रहा है कि जीरो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करने के द्विघात जो बहुपद है उसको हमें सिद्ध सत्यापित भी करना है, उनका संबंधित सत्यापित जो करना है संबंध के आधार पर कि जीरो का जो वैल्यू आएगा कोफिशियंट आधार पर उसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर। ठीक है माय डियर्स, अब देखिए, ध्यान देखिएगा, हम आपको इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे ताकि आपको इसमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आराम से देखिए, रिलैक्स होगी। ठीक है, देखिए माय डियर्स, एक्सरसाइज 2.2 राइट, पहला, आराम से देखिएगा, रिलैक्स होगी। ठीक है, आराम से, फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है माय डियर्स, इसमें पहली बात कि इसमें फैक्टर आपको आना चाहिए, फैक्टर के आधार पर इसमें होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का है एक्स का स्क्वायर -2x = 8 राइट। ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, इसको इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, आराम से देखिए कैसे हम इसको फैक्टर करते हैं, इसको देखिए तरीका हम आपको अच्छी तरह बता रहे हैं आपको। ठीक है, रिलैक्स होके ध्यान देखिए, 8 × 1 यानी फर्स्ट को लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एलसीएम उसके बाद हम करते हैं एलसीएम, एलसीएम के टुकड़ा हम यहाँ बांट देते हैं राइट, 2 × 2 × 2 राइट, यहाँ से दो डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे घटाने पर 2 आना चाहिए या प्लस करने पर यहाँ पे आने चाहिए, प्लस करने पर 2 या तो माइनस करने पर 2। तो देखो 2 को हम एक साथ ले लेते हैं और 2 को अलग ले लेते हैं, तो 4 − 2 = 2, अब 4 × 2 = हो गया 8 राइट। ध्यान दीजिए, तो इसको क्या हो जाएगा माय डियर्स, एक्स का स्क्वायर -4x + 2x - 8 राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या है, दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x को हमने निकाल दिया, x − 4 बच गया, प्लस कितना हो गया 2, यहाँ हो गया x − 4, जो फर्स्ट होता है ना उसी को निकालते हैं। अब यहाँ कॉमन हो गया माय डियर्स x − 4, फिर हो जाएगा x + 2 राइट राइट। तो अब देखिए, x बराबर हो जाएगा 4, माइनस का उल्टा प्लस होता है, x बराबर हो जाएगा -2, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू हो गया 4, बीटा का वैल्यू हो गया -2। आगे देखिए, है ना, अब यहाँ बंद हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला बन गया, एक्स का स्क्वायर + bx + c = 0। क्वेश्चन है 1x² - 2x - 8, यानी 8 की वैल्यू सामने कितना 1, बी के सामने कितना -2, सी के सामने -8 राइट। अब यहाँ देखिए, ये तो जो आंसर जो निकला ये निकला 0 का राइट, 0 का मतलब तो अल्फ़ा और बीटा होता है। अब यहाँ बोला वेरीफाई, देखिए असत्यापित करना, देखिए वेरीफाई मतलब हो गया सत्यापित, सत्यापित राइट, α + β = हो गया -b/a राइट। ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह ध्यान दीजिए, अल्फ़ा की कितनी वैल्यू है 4, 4 प्लस बीटा कितनी -2, और बीटा बी की वैल्यू कितनी है -2, और यहाँ भी माइनस में लग गया 1, तो हो जाएगा 4 − 2 = 2, −−+2 = 2 राइट। ये आपका हो गया। अब आते हैं α × β c / a, अल्फ़ा कितनी है, अल्फ़ा कितनी 4, बीटा कितनी है -2, तो c का वैल्यू कितना -8, इसका 1, तो −8 = −8, ये आपका इक्वल हो गया, थॉट तो नहीं है, तो ये आपका आपका फर्स्ट का पहला बन गया। अब आगे देखिए, फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको पूरा वीडियो फिर से दोबारा बनाएंगे। 4a² - 4s + 1 राइट, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 4a² - 2s - 2s + 1, इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 × 2 = 4 हो गया, इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2s, 2 × 2 = 4s, कॉमन आ गया -1, इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो 2s - 1 राइट, 2s - 1, और यहाँ हो गया 2s - 1। अब देखिए 2s = हो गया 1, एंड s की वैल्यू हो गया 1/2, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू हो गया 1/2। अब आ गया 2s = हो गया 1, s = हो गया 1/2,
यानी यहाँ पे हो गया बीटा, राइट। आगे देखिए, इसका पूर्ण जानते ही होंगे आप, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हो गया फोर एस का स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब कि एस और एक्स में कोई फ़र्क नहीं होता, ये दोनों क्वांटिटी है, राइट। तो ए का वैल्यू आ गया फोर, बी का वैल्यू आ गया माइनस फोर, सी का आ गया वन, राइट। अब यहाँ वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई यानी सत्यापित, ध्यान देखिएगा सत्यापित है ना, आराम से देखिएगा, सत्यापित हो गया। अब यहाँ लिखेंगे माय डियर्स, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। अल्फ़ा कितना है वन बाई टू प्लस वन बाई टू, बी का वैल्यू कितनी है माइनस फोर, फिर यहाँ भी माइनस फोर हो गया, राइट। और ए की वैल्यू कितना है फोर, तो इसको करेंगे तो टू आ जाएगा वन प्लस वन यानी टू बाई टू, इसका हो जाएगा फोर बटा फोर, इसे कट जाएगा वन यानी इसे कट जाएगा वन है वन इक्वल टू वन, ठीक है। अब आते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है वन बाई टू, वन बाई टू, सी कितना है सी का वैल्यू वन और ए का वैल्यू चार यानी कि वन बाई फोर और वन बाई फोर, ठीक है। तो ए था आपका दूसरा क्वेश्चन आपका, अब आगे देखिए, ठीक है। अब आते हैं हम फर्स्ट का थ्री क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सिक्स एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा, इसको हमें यहाँ लाना पड़ेगा, इसको यहाँ रखना पड़ेगा। देखिए सिक्स एक्स का स्क्वायर माइनस सात एक्स माइनस थ्री, इसको मल्टीप्लाई करिए अठारह, अठारह को दो तोड़िए तो कितना आ जाएगा नौ और सात आ जाएगा, नौ और दो आ जाएगा। सिक्स एक्स का स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, कॉमन क्या है थ्री एक्स, तो यहाँ हो जाएगा टू एक्स, थ्री थ्री जन नाइन, राइट। यहाँ पे हो जाएगा वन कॉमन क्योंकि दोनों में कॉमन एक ही है, तो टू एक्स माइनस थ्री आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा दो एक्स माइनस थ्री, राइट। यहाँ हो जाएगा माय डियर थ्री एक्स प्लस वन, यहाँ हो जाएगा टू एक्स इक्वल टू थ्री यानी कि एक्स इक्वल टू आ जाएगा थ्री बाई टू, ये आपका हो गया अल्फ़ा का वैल्यू हो गया। आगे देखिए थ्री एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन, एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री, तो ये आपका हो गया बीटा का वैल्यू, राइट। आगे देखिए ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, फॉर्मूला को उतार दो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, राइट, क्लियर हो गया। अब आगे देखिएगा ध्यान से एकदम। अब ए की वैल्यू आ गया सिक्स, बी की वैल्यू आ गया सेवन, सी की वैल्यू आ गया माइनस थ्री, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। अल्फा कितना हो गया माय डियर्स थ्री बाई टू माइनस वन बाई थ्री, बीटा का कितनी है माइनस सेवन और यहाँ सेवन आ गया, इसका हो जाएगा सिक्स, इसको सेम करें कितना हो जाएगा सिक्स, राइट। थ्री थ्री जा नाइन और टू वन जा टू, तो सेवन बाई कितना आ गया सिक्स, माइनस माइनस प्लस सेवन बाई सिक्स, ठीक है। तो ये भी आपका ये पूरा बराबर आ गया। अब देखिए ध्यान से, अल्फ़ा इंटू बीटा दिख रहा है ना आपको, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बटा ए, सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितनी है थ्री बाई टू मल्टीप्लाई माइनस वन बाई थ्री, इसे कट जाएगा। सी कितना है, सी की वैल्यू माइनस थ्री है, नहीं नहीं सी की वैल्यू हमारा माइनस वन, सी का वैल्यू माइनस थ्री, तो देखिए मैंने कुछ गलत किया है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा थ्री बाई टू, इसका हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री। अब देखिए यहाँ पे माइनस थ्री आ गया। अब ए की वैल्यू कितना सिक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस वन बाई टू, तो थ्री वन जो थ्री, थ्री टू जो सिक्स माइनस वन बाई टू, तो ये दोनों बराबर आ गया, राइट। आगे देखिए क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, अब हम कराएंगे वन का फोर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह देखिएगा। फोर यू का स्क्वायर प्लस आठ यू, राइट, तो इसमें तो कोई कॉमन तो है नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लस जीरो कर सकते हैं इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया जीरो। तो ए का वैल्यू आ गया फोर, बी का वैल्यू आ गया आठ, सी का वैल्यू जीरो, राइट नाउ।
अब यहाँ देखिए 4u² प्लस 8u, अब यहाँ 4u कॉमन है तो यहाँ बचेगा 4u + 2 इजकल टू 0, तो अभी आ जाएगा 4u = 0, यहाँ आ जाएगा u + 2 = 0, u का वैल्यू आ जाएगा -2, यानी कि इसका आ गया बीटा का वैल्यू आ गया। अभी आ जाएगा u = 0/4, तो इसका आ जाएगा 0, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू है आपका 0, राइट। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -b/a, अल्फ़ा कितना 0, बीटा कितनी -2, तो इसका हो जाएगा आंसर -2, बी की वैल्यू कितनी है 8, तो -8 हो गया, ये हो जाएगा 4, 4 × 8, -2 = -2, ठीक। आगे देखिए इसके बाद α(β) = c/a, अल्फ़ा कितनी है, अल्फा वैल्यू 0, 0 × β का वैल्यू कितनी -2 = देखो ध्यान से, c का वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो 0 = 0, दिस इज आंसर, ओके। तो ए था आपका 4 का क्वेश्चन, ठीक है माय डियर्स। आगे देखिए अब अगला क्वेश्चन है 1 का 5, ध्यान दीजिए 1 का 5, t² - 15, देखो ए हमारा क्वांटिटी है तो इसलिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा t² + 0t - 15 = 0, क्यों किया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ax² + bx + c = 0। देखो x और t में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों आपका वेरिएबल है, दोनों आपका चराशी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो a की वैल्यू आ गया 1, b की वैल्यू 0, c का आंसर 15, राइट। अब देखिए t² - 15, इसको क्या करेंगे माय डियर्स, t² को हम कर देंगे +15, ठीक है ना, और रूट का मतलब होता है प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा +√15 और बीटा का वैल्यू हो जाएगा -√15, राइट। यहाँ देखिए α(β) = -b/a, अल्फ़ा कितना है 15 × -√15, और b का वैल्यू कितना है 0, 0 हो गया, α+β हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, राइट, तो ये ब्रैकेट लग जाएगा, और a का वैल्यू कितना 1, तो देखो ये हो जाएगा √15 - √15, तो इसे कट जाएगा 0/0, क्लियर हो गया। अब आगे देखो α(β) = c/a, कितना हो जाएगा √15 × -√15, c की वैल्यू कितना है -15, इसकी वैल्यू है 1, तो -15 इसका भी हो जाएगा, बेसिक में थे √15 हो जाएगा, ये -15, तो ये आपका इक्वल हो गया, राइट। आगे देखिए 1 का 5, अब 1 का 6 चलते हैं, यहाँ आ गया 3x² - -x - 4, 4 × 3 = 12, ऐसा टेबल जो मल्टीप्लाई करने पर 12 और माइनस घटाने पर माइनस करने पर 1, तो आगे तो गया 3x² - 4x + 3x - 4, कॉमन क्या है x कॉमन है 3x - 4 प्लस 1 कॉमन है 3x - 4, राइट, 3x - 4, फिर यहाँ बचेगा x + 1, तो यहाँ हो जाएगा 3x = 4, x = हो जाएगा 4/3, ये आपका हो गया अल्फ़ा, x = हो जाएगा -1, तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा -1, राइट। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला होती है ax² + bx + c = 0, यानी 3x² - 1x - 4 = 0, a का वैल्यू आ गया 3, b का वैल्यू आ गया -1, c क्या आ गया -4, राइट। अब यानी α+β क्या होगा -b/a, अल्फ़ा कितनी है 4/3, आई बीटा का माइनस तो 1 हो गया, सोल्व करेंगे 3 × 3 × 4, बी का वैल्यू कितनी है, बी का वैल्यू है -1, राइट, और माइनस और ए का कितना हो गया 3, तो इसका माइनस करेंगे तो 1/3,
स्क्वल टू वन बटा थ्री माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा का आ गया। इसके बाद करेंगे माय डियर्स अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितनी है माय डियर्स, अल्फ़ा है 4/3 इंटू माइनस वन, और सी का वैल्यू कितनी है माइनस फोर, और ए का वैल्यू कितना 3 माइनस 4/3 स्क्वल टू माइनस 4/3। तो ए आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आपका बन गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द वेरी इंपॉर्टेंट दिस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, मतलब कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन पॉलिनोमियल है इसके ऊपर आपको बनाना है। सुनिए, जहाँ भी कॉमा रहेगा, कॉमा के पहले अल्फा प्लस बीटा होता है और कॉमा के बाद जो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, सब में वही होगा। क्लियर हो गया, ध्यान दीजिए। दूसरा ध्यान दिखिएगा, दूसरा बोल रहा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू एक्स। क्लियर हो गया, तो कॉमा प्लस होता है, तो पहले क्वेश्चन देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है माइनस वन, राइट। तो इसकी वैल्यू भी यहाँ रखो, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4, एक्स यहाँ अंदर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 1/1, ठीक है। इसको हम करेंगे एलसीएम, तो इसको जब एलसीएम करते तो यहाँ आ जाएगा 4 इसकल टू 0, क्योंकि 0 बोली में लिखा है, तो 4 बन जाए 4, और इसके जिसके नीचे होगा उसको नहीं करते 1x, इसको करेंगे 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4x का स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इसकल टू 0, ये आपका हो गया समीकरण। क्लियर हो गया, दूसरा का दूसरा अल्फा प्लस बीटा इसकल टू रूट टू और अल्फा इंटू बीटा इसकल टू आ गया 1/3, तो फॉर्मूला जानते ही हो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है। क्लियर हो गया, तो एक्स का स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स, इसको हटाकर हमने ये रख दिया, एक्स हो गया प्लस 1/3 इसकल टू 0, इसको इसे मल्टीप्लाई करो 3 का स्क्वायर 3 रूट टू एक्स प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करो तो 0, तो ये आपका आ गया डिवाइड, राइट। क्लियर हो गया, आगे देखिए 2 का 3 समझा रहे ना, तो अल्फा प्लस बीटा इसकल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इसकल टू आ गया रूट 5, फॉर्मूला जानते ही हूँ एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, एक नंबर में आएगा ये, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब 0 हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर 0 का वैल्यू नहीं होगा प्लस रूट 5, दिस इज आंसर, ठीक है। आगे देखिए, अब आते हैं हम 2 का 4 की ओर आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इसकल टू आ गया 1, अल्फा इंटू बीटा इसकल टू आ गया 1, राइट। फॉर्मूला जानते हैं आप एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ हो जाएगा एक्स और अल्फा इंटू बीटा इसकल टू 0, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, आपका संख्या आ गया, ठीक है। 2 का 5th ध्यान दीजिएगा, है ना, अच्छी तरह ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इसकल टू माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इसकल टू 1/4, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और एक्स और अल्फा इंटू बीटा इसकल टू 0, तो एक्स का स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस 1/4x, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस 1/4, माइनस वन प्लस होता है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1x अपॉन 4 और 1/4, तो अब देखिए 4 कैल्सियम 4 होगा, इसकल टू 0 लगाना जरूरी है, तो यहाँ हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1, इसको 0 लगा दीजिए, 4x का स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1, राइट। अब आते हैं 2 का 6 की ओर, राइट, देखिए अल्फा प्लस बीटा इसकल टू हो गया 4 और अल्फा इंटू बीटा इसकल टू हो गया 1, तो हम लोग जानते ही हो कि एक्स का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इसकल टू 0। अब यहाँ देखो, तो एक्स का स्क्वायर
इसका वैल्यू कितना, 4x, और इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 1, ये आपका 0। ठीक है दोस्तों, तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो मैथ में आप कमेंट जरूर करें। तो आपका ये दोनों वीडियो आपका क्लियर हो गया, 2.2 भी पूरा क्लियर हो गया। जो कोई दिक्कत होगा, कोई कंप्लेन होगा, आप मुझे फ़ोन करिए और व्हाट्सअप करिए, हम सब बताएंगे आपको। और फिर अगले वीडियो में हम चलेंगे 2.3 की ओर। जब तक के लिए नमस्कार।